हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 5 का एक और सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है पब्लिक इकोनॉमिक्स। दोस्तों, पब्लिक इकोनॉमिक्स आपको ऑप्शन में दिया जाता है, यानी आपके पास चॉइस होती है कि आप चाहें तो सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, चाहें तो इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने काफी सालों में ये ऑब्जर्व करा है, इवन 2014-15 से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर साल ये सब्जेक्ट ऑप्शन में ही दिया जाता है। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा पसंद होता है। शायद उसका रीजन ये भी हो सकता है कि कॉलेजेस के अंदर इस सब्जेक्ट को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि कॉलेज के टीचर्स आप लोगों को यही बताते हैं कि अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया है और इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा तो फिर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपको सिखाता है, बताता है कि कैसे हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट वर्क करती है, कैसे हमारी इकोनॉमी में फिस्कल फंक्शंस होते हैं, पब्लिक गुड्स का प्रोविजन कैसे होता है, पब्लिक गुड्स में कैसे प्राइवेटाइजेशन आ जाता है, या कैसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके लोगों के ही पैसे को इस्तेमाल करती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कैसे मार्केट फेल होती है। मार्केट फेल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ योर मार्केट बेसिकली फेल्ड, क्योंकि जब जब इकोनॉमी के अंदर मोनोपोली जैसी पावर्स आती हैं, ताकतें आती हैं, तब तब मार्केट फेल होती है। तो हाउ द गवर्नमेंट कंट्रोल द मार्केट फेलिंग, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। एंड मेजर लेवल पे हम यहाँ पे मल्टीपल वराइटीज का टैक्सेशन पढ़ेंगे। देखिए, इस सब्जेक्ट के अंदर अंदर टैक्सेशन दो दो वराइटीज का पढ़ेंगे। एक टैक्सेशन पढ़ेंगे हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड, डेरिवेशन बेस्ड, डायग्रामेटिकली बेस्ड, ठीक है, जिसमें हम वर्ल्ड वाइड टैक्सेशन सिस्टम पढ़ेंगे कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे किस प्रकार के टैक्सेस का प्रोविजन है, ठीक है, ये हमारा एक सब्जेक्ट का तरीका रहेगा। दूसरा यहाँ पे टैक्सेशन पढ़ेंगे जो कि यूनिट नंबर 2 में होगा, दैट इज टैक्स सिस्टम, जिसमें हम इंडिया के, मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन इंडिया के टैक्स सिस्टम का स्ट्रक्चर और इंडिया में जो टैक्सेस में रिफॉर्म्स आया है वो स्टडी करेंगे। मतलब काफी कुछ जानने वाली चीज है। साथ साथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारी कंट्री का बजट होता है, फिर उस बजट में डेफिसिट्स कैसे कैसे होते हैं, और फिर उन डेफिसिट्स को कैसे पब्लिक डेब्ट के बेसिस पर संभाला जाता है, कंट्रोल किया जाता है, एंड आफ्टर दैट द फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस, देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको 2 यूनिट्स प्रोवाइड करी हुई हैं, जिनमें से पहली जो यूनिट है ये जर्नल यूनिट है, जिसके अंदर किसी भी कंट्री की बात नहीं है, जर्नल स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कराई गई है। जो आपकी सेकेंड यूनिट है, इसके अंदर स्पेशलाइज इंडिया की बात करी है, ठीक है, इसमें कोई दूसरी कंट्री की बात नहीं है, इसमें ऑथर भी इंडियंस को ही लिया गया है, और अगर कोई ऑथर बाहर का भी है तो उसका भी कंसेप्ट वही है कि उसने इंडिया की ही बात को यहाँ पे एक्सप्रेस करा है। क्लियर? तो गाइस, ये हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। अगर हम एग्जाम पॉइंट से बात करें तो ये दोनों यूनिट से आपके पास, आपके पेपर में जनरल ऑन एन एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन, अब ये 7 क्वेश्चन कर दिए, यानी हो सकता है आपके पेपर में 7 क्वेश्चन हो सकता है, आपके पेपर में 8 क्वेश्चन हो, मान लीजिए आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन थे, तो ध्यान रखना 7 में से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे फ्रॉम यूनिट नंबर 1, एंड 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना 4 क्वेश्चन यहाँ से और 3 क्वेश्चन यहाँ से है, और उन 4 क्वेश्चन की भी मैं वेटेज आपको बता देता हूँ, जहां ना एक एक क्वेश्चन होगा उसके सब पार्ट होंगे, तो सब पार्ट में इंटरचेंजिंग टॉपिक्स हो सकते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन अगर आपका पब्लिक गुड्स का होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्योंकि वहां पे वो एक्सटर्नलिटीज पूछ लें, कोई क्वेश्चन एक्सटर्नलिटी का होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपसे टैक्सेशन वाली बात पूछ ले। तो इस बेसिस पर अगर आप देखें तो हर यूनिट से एटलीस्ट एक क्वेश्चन हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि 15-15 नंबर का एक क्वेश्चन हो, वो वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है। सिमिलरली, तीन तीन क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो मैंने ये भी देखा है कि तीनों एरियाज में से आपके एक एक क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे हर एक टॉपिक के लिए कुछ ऑथर्स के आर्टिकल्स है, तो अब वही आर्टिकल्स हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है, वही आर्टिकल, जैसे एग्जाम्पल टैक्स सिस्टम में जो रिफॉर्म है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ऑब्वियस ये बात है, आपको पता है कि वही क्वेश्चन पेपर में आएगा, जीएसटी से रिलेटेड वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो अभी बेसिकली मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस कर लिया है, एंड अब मैं आपको इसके साथ में फर्स्ट क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, इवन मेरी जो फर्स्ट क्लास है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को,
ऑलरेडी तो मैं उस क्लास को इस क्लास को मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इवन मैंने यहाँ पे आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है, एंड आफ्टर दैट वो क्लास वाली क्लास में मर्ज कर रहा हूँ, तो आप पूरी क्लास देखिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेवल पे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर भी करिए, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आपसे जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो बेटा यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप, जो भी कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। नाउ गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना। गाइस आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक हैं उसका नाम है एक्सटर्नलिटीज, दैट मींस एक्सटर्नल इफेक्ट्स। बेटा ये चैप्टर 8 है ऑफ रीडिंग्स हिंड्रिक्स, ठीक है। हिंड्रिक्स की आपकी रीडिंग है जिसमें चैप्टर 8 है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट ये आ गया होगा कि सर अभी हमारा पब्लिक गुड्स टॉपिक पूरा हुआ था, उसी यूनिट के अंदर एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 12 कुलिस एंड जॉन्स का, वो नहीं कराया आपने। तो बच्चा मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चों का इंटरनल है, ठीक है, कुछ बच्चों का इंटरनल। कॉलेज वाले तो जो है थोड़ा सा सेंटी हो गए और इंटरनल लेने लगे। और बेटा इंटरनल के अंदर या तो आपका पब्लिक गुड्स का चैप्टर आएगा, ठीक है, या फिर आपका एक्सटर्नलिटीज आएगा। और कुछ बच्चों को बेटा ये टॉपिक आ रहा है एक्सटर्नलिटीज, जिसकी वजह से मैं पहले ये टॉपिक जो है आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग जानते हो बेटा, ये टॉपिक एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या बेटा, एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो बनने हैं यहाँ से, मतलब दो क्वेश्चन तो बनेंगे। अब एटलीस्ट एटमोड लगाओ मत लगाओ, मर्जी है आपकी, बट बेटा दो क्वेश्चन तो बनेंगे, ठीक है। अगर दो क्वेश्चन नहीं बना तो कम से कम डेढ़ क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। आप बोलो सर डेढ़ क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाता है? देखो बेटा, इस चैप्टर को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है जी, समझना ध्यान से। इस चैप्टर को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट है बड़ा हमारे पास यहाँ पर इस चैप्टर का एक्सटर्नलिटीज के बेसिकली कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज, जो भी उन्होंने एक्सप्लेन करा चीजों को, एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, कैसे कैसी कैसी होती हैं, इनमें क्या क्या चीजें रहने वाली होती हैं, बेसिकली थ्योरीज वगैरह, ठीक है। सेकेंड बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। रीडिंग ने आपको 5 या 6 एग्जाम्पल दिए, नॉर्मली 6 एग्जाम्पल दिए हैं। हम लोग बेटा वो सब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, इस एग्जाम्पल में थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं होगा, या तो इसमें डेरिवेशंस होंगी, मतलब जो मैं अभी आपको करवाऊंगा, और साथ साथ बेटा एक न्यूमेरिकल होगा। बेसिकली अगर आप सोच रहे हो कि न्यूमेरिकल कहाँ से आना आएगा, तो बेटा न्यूमेरिकल यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कहाँ से? एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज से, ठीक है बेटा। उसके बाद तो जो यहाँ पे आता है दैट इज टैक्सेशन, ठीक है जी। उसके बाद जो टॉपिक बेटा यहाँ पे ऐड होता है वो है बेटा टैक्सेशन। क्या होता है मेरे बच्चा? टैक्सेशन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो होप तो गाइस हम लोग जल्दी से खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से पढ़ना। देखो बेटा समझना, मैंने क्या कर रखा है, दो बात है। अगर अगर रीडिंग्स की बात करते हैं तो बेटा रीडिंग ने ना इन सब चीजों को थ्योरी में बताया हुआ है, ठीक है। थ्योरी में भी उन्होंने डेरिवेशन तक थ्योरी में बता रखी है, मतलब तो एक फॉर्मूला लिखा तो उसकी डेरिवेशन थ्योरी में एक्सप्लेन कर दी कि मल्टीप्लाई दिस एंड दिस एंड दिस, सब्स्टिट्यूट करो, स्क्वायर करो, इधर करो, उधर को एलिमिनेट करो, ठीक है। और डायग्राम को बेटा उसने ऐसे ही कर दिया है, बट मैं क्या करूंगा बेटा, आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है, आप उसको उस तरीके से समझना। एंड आफ्टर दैट मैं आपको बेटा इसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जो भी नोट्स होंगे इसके मैं आपके लिए बेटा अपलोड कर दूंगा वीडियो पर, मैं अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से बोल दूंगा कि वो आपको इसके नोट्स जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें, ठीक है जी। एग्जाम्पल में बेटा न्यूमेरिकल आएगा वो डिस्कस करेंगे, इसमें बेटा हमारा टैक्सेशन का कंसेप्ट वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग पढ़ना एक्सटर्नलिटीज। बेटा ध्यान रखना सबसे पहले कि एक्सटर्नलिटीज जो होती है बेटा, एक्सटर्नलिटीज जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 2 पार्ट्स की होती है बेटा एक्सटर्नलिटीज। एक तो होती है बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, मैं रिपीट करता हूँ बेटा, एक्सटर्नलिटीज बेटा 2 पार्ट में होती है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, और एक होती है बेटा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है बेटा नेगेटिव, एक पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, ठीक है जी। अब बात आती है कि हल्के हल्के बच्चे बात करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है, और जी सर जी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल ऐसे ऐसे सोच के चलना कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है। पॉजिटिव
पॉजिटिव एक्सटर्निटी का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा इफेक्ट, बेसिकली बेटा एक्सटर्निटी का ही मतलब क्या होता है, एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल इफेक्ट, यानी इकोनॉमिक एजेंट्स के अलावा, मतलब मेरे अलावा किसी और ने कुछ वर्क किया, मेरे अलावा किसी और ने कुछ वर्क किया और उसके वर्क करने से मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है, उसके वर्क करने से मैं अफेक्ट हो रहा हूँ। अब बात आती है बेटा कि वो मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है और बेटा वो मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है मेरे ऊपर। तो आप कहते हो सर नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे डालेगी? अब देखो एक बात समझना, एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक कोई भी फैक्ट्री है और फैक्ट्री जो मान लो केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है केमिकल फैक्ट्री तो है, तो बेटा थोड़ा लिक्विड वाला कंसेप्ट आ गया है ना, लिक्विड, उन्हें वाटर की भी जरूरत होगी, लिक्विड यानी पानी पानी वगैरह। तो अब जब बेटा जो उनका केमिकल फैक्ट्री में से जो वेस्ट वाटर होगा, वेस्ट वाटर या कोई भी केमिकल्स हो गए, यानी लिक्विड लिक्विड मैटर हो गया बेटा, वो कहीं ना कहीं से मतलब समुद्र में या उसके पास जो लेक है या उसके पास जो पॉन्ड है या उससे उससे कनेक्टेड जो भी पानी का तालाब वगैरह जहाँ पे फिशीज होती हैं, यहाँ पे मछलियां हैं, तो बेटा वहां पे हो जाएंगी, है ना बेटा, वो जो पानी वो उधर जाएगा। तो मुझे बस इतना सा बता दो, क्या उस गंदे पानी से, जहरीले पानी से क्या वो मछलियां मतलब उन्हें मछलियों को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा उनको इम्पैक्ट, ठीक है। और उनको इम्पैक्ट पड़ने का मतलब होता है जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन है, उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है बच्चा, यानी केमिकल फैक्ट्री का जो हार्मफुल जो है मैटर है, जो हार्मफुल ऑप्टिकल्स हैं या हार्मफुल लिक्विड वाटर जो भी चीज है, वो अगर नॉर्मल पानी में जाएगा तो फिशेज को दिक्कत होगी, फिशेज बेसिकली मर जाएंगी या दिक्कत आएंगी काफी सारी, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फिशरमैन है वो परेशान हो जाएगा। तो बेटा एक तरह का ये एक्सटर्नल इफेक्ट है जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का पार्ट होता है, ठीक है बच्चा, क्या होता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का पार्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली बेटा दूसरा पॉइंट ले आओ आप, ऐसा हुआ कि किसने क्या करा अपने, मतलब ये तो बड़ा वो नेगेटिव वाला हो गया। अब बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्सटर्निटी का, क्या हुआ कि एक एरिया था, एक आदमी रहता था, उसको थोड़ी इनसिक्योरिटी फील हुई, तो उसने क्या करा गली के दोनों कोनों में गेट लगवा दिए, है ना, हो सकता है उसको रात में चोरों का डर हो या किसी चीज का डर हो, उसने गेट लगवा दिए, उसने अपनी कॉस्ट पर लगवा दी गेट, यानी उनने तो गए अपनी सेफ्टी करी है, ठीक है। या फिर चलो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हमें सिंपल बात करें, एक फ्लैट सिस्टम है, एक बिल्डिंग है, 10-12 फ्लैट्स है वहां पर, लोग रहते हैं, नीचे का गेट खराब हो रहा था तो एक आदमी ने लगवा दिया, वैसे तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो क्यों होता, लेकिन एक आदमी को इमरजेंसी जरूरत थी, ने कहा जी मुझे से इनसिक्योरिटी फील होती है, उन्हें लगवा दिया, लोगों ने पैसे भी नहीं दिए, तो ये क्या हुआ, उसने किया तो अपने लिए अच्छा, लेकिन उसका खुद के लिए अच्छा, लोगों के लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि जितनी सिक्योरिटी उसको मिलेगी उतनी ही सेम सिक्योरिटी दूसरे लोगों को भी मिलेगी, ठीक है बच्चा। तो ये चीज समझ के रखना, इसे बेसिकली पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है, ठीक है। एक छोटा सा एक एग्जांपल ये हो गया कि मान लो आप हो और आप पीजी में रहते हो, पीजी में रहते हो और आपने कोचिंग, मेरी कोचिंग ज्वाइन कर ली, एमए की या सेमेस्टर 5 की या कोई भी कोचिंग हमने ज्वाइन कर ली, और बेटा आप ऑब्वियसली बात है मेरी क्लासेस देख रहे हो, मेरे नोट्स नोट कर रहे हो, और आपको जो फ्रेंड है बस उसके मजे आ गए, क्योंकि आप उससे कितना छुपाओगे, अगर आप नहीं हो तो आपको नोट देख लेगा, अच्छा सेम आपके आपके लेवल पे, मतलब जो जो चीज आप पढ़ रहे हो वही सेम चीज उसके पास भी है, बट वो बंदा विदाउट एनी फीस पेमेंट वो आपकी साइड से चीजें पढ़ लेगा, बेसिकली आपने अपने लिए अच्छा किया है, आपने अपने लिए अच्छा किया, लेकिन आपके लिए खुद के लिए अच्छा, उसके लिए भी अच्छा हो गया, इसे कहते हैं बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई। तो नेगेटिव पॉजिटिव की ये बात होती है, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में बेटा हम लोग, ठीक है जी, चलिए अभी तो फिलहाल हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं इससे कनेक्टेड, ठीक है। अब समझना ध्यान से, मार्केट एफिशिएंसी जो होती है, चलो ये तो अलग चीज हो गई, अब बात आती है सर जी मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंसी, अब बेटा मार्केट एफिशिएंसी ना दो पार्ट में डिवाइड कर होती है, मार्केट एफिशिएंसी ध्यान रखना, मार्केट एफिशिएंट होती है, अब एक चीज बेटा ध्यान रखना हमेशा, इन अ पब्लिक इकोनॉमिक्स वी ऑलवेज फॉलो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दैट मीन्स ऑलवेज पी इज इक्वल टू एमसी, और 99.98% केसेस में हम एमसी को हॉरिजॉन्टल मानते हैं, कॉन्स्टेंट, ठीक है बेटा, मतलब ऐसा नहीं कोई सिद्धांत है, लॉ है, ऐसा कुछ नहीं, बट ये कि आसान करने के लिए, ठीक है, जब तक चीजें सिखाई जा रही है तो उतना आसान करके पढ़ाया जाता है आपको बच्चा। मार्केट एफिशिएंसी बड़ा दो चीजों पर डिपेंड करती है, सर
सबसे पहली इंफॉर्मेशन है बेटा यहाँ पर, सबसे पहले दैट इज द वेलफेयर ऑफ ईच कंज्यूमर, द वेलफेयर ऑफ ईच कंज्यूमर डिपेंडेड डिपेंडेड सोलली ऑन हर ओन कंजम्पशन डिसीजन, ऑन हर ओन कंजम्पशन डिसीजन, ठीक है जी, सोलली ऑन ऑन हर ओन कंजम्पशन कंजम्पशन डिसीजन. बी पॉइंट, द प्रोडक्शन ऑफ ईच फर्म, द प्रोडक्शन ऑफ ईच फर्म डिपेंडेड डिपेंडेंट कहते हैं ओनली ऑन इट्स ओन इनपुट एंड आउटपुट डिसीजन. मतलब जब तक आप एक एजेंट हो, ठीक है, और बेटा एज एन एजेंट जब तक हर चीजें आपके कंट्रोल में तो एफिशिएंसी आती जाएगी. अब बेसिकली आप ऐसा एग्जांपल करो, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको पता है कि भाई पब्लिक, जैसे एग्जांपल सेमेस्टर 5 की स्टडी कर रहे हो, आपने पब्लिक इकोनॉमिक्स से, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से, या फिर एक्स वाई जेड दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, फिर इंडियन इकोनॉमिक्स से, फिर कॉलेज के इंटरनल से, कॉलेज के लेक्चर से, फिर मेरे लेक्चर्स हैं, फिर अपनी पर्सनल लाइफ है, फिर अपनी फैमिली लाइफ है, यानी दुनिया भर की चीजें आपके साथ चल रही हैं. आप अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हो ना, अपने हिसाब से, कोई आपको छेड़े नहीं, आप अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हो. अब आपके फादर बोले, मदर बोले, या कोई दोस्त बोले, या कोई एक्स वाई जेड बोले कि भाई ये जो वीडियो है ना, ये जो पढ़ाई, ये टॉपिक है, अभी नहीं, इस टाइम करना, गुस्सा आएगा ना आपको, बहुत गुस्सा आएगा. क्यों? वजह क्या है? भले वो सही बोल रहा हो, हमें नहीं कह रहा हूँ, भले वो ठीक कह रहा हो सामने वाला बंदा, हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि बेटा वो सिर्फ आपको, आपकी लाइफ का एक फेज देख रहा है, आपकी लाइफ का एक फेज देख रहा है, और आप अपनी लाइफ के मल्टीपल फेसेस से गुजर रहे हो, मल्टीपल फेसेस देख रहे हो, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, ठीक है. जब जब आपके डिसीजन खुद पर डिपेंड होंगे तो बेटा इकोनॉमी में एफिशिएंसी आएगी. मान लो आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी, या मान लो आपने एक इंटरनल नहीं दिया कॉलेज का, तो आप खुश हो, नहीं दिया ना, आपकी खुद की मर्जी से आपने डिसीजन लिया, ओन डिसीजन थे आपके, खुद के डिसीजन थे, ठीक है. लेकिन अगर कोई और इन्वॉल्व होता है और आपको कोई और चलाने की जरूरत कोशिश करता है, नहीं जी ऐसे करके ऐसे चलो, ऐसे चल के ऐसे चलो, तो बड़ा इनएफिशिएंसी आएगी. क्यों? क्योंकि वो तो उस टाइम चीजें डिसबैलेंस करेगा, उस टाइम चीजें डिस्टर्ब कर देंगे, लेकिन उसको फिर बैलेंस आपको करना है, फिर बेटा इनएफिशिएंसी आएगी. तो बेसिकली बेटा क्या होता है कि कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जब तक डिसीजन हमारे खुद की होते, बेटा एफिशिएंसी होती है, लेकिन लेकिन और मजे की बात क्या होती है, जब तक ये सब चीजें होती है तो ध्यान रखना, तब तक बेटा पैरेटो ऑप्टिमलिटी भी रहती है. हाँ बेटा, थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक सेमेस्टर 4 का करा रहा हूँ पैरेटो ऑप्टिमिलिटी. पैरेटो ऑप्टिमिलिटी का मतलब बेटा पैरेटो एफिशिएंसी ही होता है, ठीक है, वो मैंने ऑप्टिमिलिटी लिख दिया यहाँ पर. बेटा जब तक आपको खुद के डिसीजंस होते हैं और ठीक ठाक चीज़ें होती है, तो बेटा एफिशिएंसी होती है, पैरेटो ऑप्टिमिलिटी रहती है. लेकिन बेटा अगर यहाँ पे कुछ भी होकर मार्केट इनएफिशिएंट हो जाती है, मान लो मार्केट इनएफिशिएंट हो गई, इफ द मार्केट इज इनएफिशिएंट, देन इफ द मार्केट इज इनएफिशिएंट, किसी भी रीजन से मार्केट इनएफिशिएंट हो जाती है, तो बात ध्यान रखना, जो आउटकम होता है ना बेटा, इज नॉट पैरेटो ऑप्टिमम, ठीक है बेटा, पैरेटो ऑप्टिमम आउटकम बेटा नहीं होगा. बात समझ में आ गया बेटा? क्योंकि जब एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट करेगी, एक्सटर्नलिटी में एग्जिस्ट, या फिर एग्जिस्ट लिख दो, जब एक्सटर्नलिटी बेटा एग्जिस्ट करेगी ना, तो बेटा आपका जो आउटकम है वो पैरेटो एफिशिएंट नहीं होगा और आपकी इकोनॉमी इनएफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है. अब बात आती है, जैसे एग्जांपल आप कहते हो सर प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी की, आपका मतलब क्या होता है प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, तो बेटा प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी में बेसिकली आपका प्रॉफिट अफेक्ट होता है, ठीक है. आपका प्रॉफिट अफेक्ट होगा तो आप बोलोगे जी खराब, मतलब बेसिकली एक्सटर्नलिटी आपकी प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन में कोई दुनिया भर की एक्सटर्नलिटीज आ जाए, एक्सटर्नल इफेक्ट आ जाए, वो तब तक दिक्कत नहीं कर रहा जब तक आपका प्रॉफिट अफेक्ट नहीं हो रहा. जिस दिन आपका प्रॉफिट अफेक्ट हो जाएगा ना बेटा, आप उसे बोलोगे जी प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी आ गई, ठीक है. सिमिलरली कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी क्या हो जाती है, वो कब, जब बेटा आपकी यूटिलिटी अफेक्ट होती है, ये भी अफेक्ट और ये भी अफेक्ट, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई. तो बेसिकली बेटा ये कंसेप्ट है हमारा एक्सटर्नलिटी का, फिर हम, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी. नाउ
द नेक्स्ट हेडिंग इज मार्केट, वही है बेटा मार्केट एफिशिएंसी वाले टॉपिक का भी चलेगा वो, मतलब हर बार को नया नया टॉपिक आता जाएगा, तो मार्केट एफिशिएंसी में कुछ और चीजें ऐड होंगी। ठीक है, मार्केट एफिशिएंसी ध्यान से समझना। ठीक है, मैं बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो रीडिंग्स ने दो दो पेज में बताया हुआ है, अब इसी ही बात को देख लो, तो रीडिंग ने इसी बात को बच्चा कम से कम डेढ़, एक से डेढ़ पेज में बताया होगा इन सब चीज़ों को, यहाँ तक की चीज़ों को। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, मैंने उसी चीज़ को टेक्निकल एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए बस आपको। ठीक है, वो मैं रीडिंग्स को लिखवाऊँ वो बेटा मुझे लग नहीं रहा, मैं खुद नोट्स लिखवा रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे नोट्स की जरूरत है वहाँ पर नोट्स, जहाँ पे कंसेप्ट की जरूरत है बेटा वहाँ पर कंसेप्ट। ठीक है बच्चा, अब पॉइंट ये है मार्केट एफिशिएंसी में एक हमारा ऑब्जेक्टिव है बेटा। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हाउ इन एफिशिएंसी, हाउ इन एफिशिएंसी, हाउ इन एफिशिएंसी कैन अराइज इन अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, इन अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। ठीक है जी, हाउ इन एफिशिएंसी कैन अराइज इन अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। अब मान के चलो बेटा ये तो कंसेप्ट कंफर्म है कि यहाँ पे पेट्रो ऑप्टिमिलिटी फेल हो गई, जैसे फेलिंग ऑफ पेट्रो ऑप्टिमिलिटी। ठीक है, मतलब हम मान के चल रहे थे हेयर फेलिंग ऑफ पेरेटो ऑप्टिमिलिटी। ठीक है जी, फेलिंग पेरेटो ऑप्टिमिलिटी, ये तो बेटा कंफर्म है। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों इस बात की, क्यों पेरेटो ऑप्टिमिलिटी फेल क्यों हुई है, इस बात के बड़े रीजन भी हैं। क्या रीजन मेरे बच्चा, इस बात की रीजन हैं कि जब हम लोग इनकरेक्ट, जब हम लोग इनकरेक्ट क्वांटिटीज ले आते हैं इन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में, व्हेन वी इन्वॉल्व इनकरेक्ट क्वांटिटीज इन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, इन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, एक तो ये हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि जो नॉन पैरेटो एफिशिएंट आउटकम होता है, नॉन पैरेटो एफिशिएंट आउटकम होता है, नॉन पैरेटो एफिशिएंट आउटकम जो होता है, विल नेवर बेटा वो कभी भी विल नेवर मैक्सिमाइज वेलफेयर। अब बात होती है कि क्यों पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट एक्सटर्निटीज के पीछे पड़ जाए भाई, कोई बात नहीं ना, कहीं कहीं पॉजिटिव होती है, कहीं कहीं नेगेटिव होती है। चलो नेगेटिव के बारे में बच्चे समझ में आते हैं कि नेगेटिव एक्सटर्निटी है, उसे तो संभालना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव को भी कहते हैं जी वो दिक्कत कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्निटी से मैं आपको बताऊंगा ओवर प्रोडक्शन, मतलब सॉरी पॉजिटिव में हमेशा अंडर प्रोडक्शन होती है हमेशा, मैं उसका मीनिंग बताऊंगा आपको उसका मीनिंग क्या होता है। पर मेरा पॉइंट ये है कि क्यों वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स के पीछे पड़े हुए, क्यों, क्योंकि अगर एक्सटर्निटी है और एक्सटर्निटी होने की वजह से, बट अगर अगर आपका पेटो एफिशिएंसी फेल हो जाती है, फिर नॉन पेटो ऑप्टिमल आउटकम्स आते हैं, तो बड़ा ध्यान रखना आपका वेलफेयर कभी भी मैक्सिमाइज नहीं होता। और जब आपका बेटा वेलफेयर मैक्सिमाइज नहीं होता तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, और जो बेटा आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर तो खेल ही खत्म सारा। ठीक है, तो पॉइंट मेरा ये है इधर कि हमें अपनी इकोनॉमी का वेलफेयर मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए बेटा हमें एक्सटर्निटी रिमूव करनी होगी। चलो रिमूव की तो बाद में आ जाओ एग्जाम्पल्स में, अभी हम पढ़ लेते हैं एक्सटर्निटीज का कंसेप्ट एक एक करके। इतने बात समझ में आते हैं आप लोगों को बेटा, पक्का जी, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर आप लोगों को। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग बच्चा इधर। अब एक एग्जाम्पल लेके चलो, एक एग्जाम्पल लेके चलो इधर, क्या मान लो देर इज अ टू कंज्यूमर मॉडल। अभी बेटा आपको समझा लूँगा एक्सटर्निटी मतलब आई कैसे और उसकी आने से यूटिलिटी में कैसे इम्पैक्ट पड़े, अभी हम बेटा यही सीखेंगे। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड करें ना मैंने, तो फर्स्ट पार्ट में बेटा हम लोग यही सीखने वाले हैं। एज्यूम को लो, लेट सपोज देर आर, लेट सपोज देर इज अ टू एजेंट्स इकोनॉमी, देर इज अ टू एजेंट्स इकोनॉमी। ठीक है बेटा, लेट सपोज देर इज अ टू एजेंट्स इकोनॉमी, टू एजेंट्स इकोनॉमी यहाँ पे। ठीक है बच्चा, और मान लो टू गुड्स। ठीक है जी, अच्छा अब थोड़ा तरीका समझना लिखने का, दिस इज एजेंट नंबर वन, दिस इज एजेंट नंबर वन, एंड बेसिकली एजेंट नंबर टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उसका जो यूटिलिटी है एजेंट ए का, मैंने यहाँ पे लिखा यू ए, दैट इज एक्स ए
प्लस यू ए जेड ए प्लस वी ए जेड बी। अब बोलो सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या लिख दिया आपने, मैं आपको बता दूंगा। ये एजेंट नंबर ए का यूटिलिटी, एजेंट नंबर ए का यूटिलिटी उसके गुट पर डिपेंड है। एजेंट हर दोनों एजेंट्स के दो कम्युनिटीज हैं, दोनों एजेंट्स के टू कम्युनिटीज हैं। मान लो इधर एक है एक्स एक है जेड। एक्स एक्स एक ऐसा गुड है जिसको दोनों के दोनों एजेंट जो है बुरा नहीं मानते। मान लो फूड है, ठीक है, खाना है, खाने को दोनों के दोनों एजेंट बुरा नहीं मानते, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, छोटा एग्जांपल, हमारे सामने कोई लंच कर रहा है, हमें उसके लंच करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, हमें उसको खाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, या हो सकता है कि वो जो चीज़ खा रहा है वो हमें पसंद नहीं आ रही, बट वो उसका फूड है, हम उसको कभी भी एक्सेलिटी नहीं बोल सकते क्योंकि हमें उसके फूड से मतलब नहीं है और उसका फूड हमें दिक्कत नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें मालूम है कि वो अच्छी बुरी कैसी भी हो, बट वो हमें बड़ा इम्पैक्ट नहीं करती, ठीक है। मैंने फूड के एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि है हमारी इकोनॉमी के अंदर ये चीज़ कि हमें हर किसी का फूड या जैसे हर किसी के घर का खाना पसंद नहीं आता है ना, अपने मम्मी के घर का खाना के अलावा कोई और पसंद आता ही नहीं। पीजी में रहते तो हर पीजी का खाना पसंद नहीं आता, ठीक है, हर होटल का खाना पसंद नहीं आता, हर रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आता, हर ढाबे का, हर रेडी वाले का, स्ट्रीट फूड दुनिया भर की चीज़ है। तो बेटा हम उस गुड को बुरा नहीं कह सकते, हमें पसंद नहीं आता तो वो चीज़ अलग है, मतलब वो चीज़ हमें इम्पैक्ट नहीं कर रही, तो वो बेटा वो है एक्स। लेकिन एक होता है जेड, जेड बेटा ये है एक्सटर्नल गुड, बेसिकली एक ऐसा गुड है जो मुझे अच्छा लगेगा बट डेफिनेटली सामने वाले के लिए एक्सटर्नलिटी क्रिएट करेगा। अब वो एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। ऐसी एक्स उसके पास भी है, मतलब जेड भी उसके पास भी है, तो वो उसके लिए पॉजिटिव रहेगा बट मेरे लिए वो एक्सटर्नल इफेक्ट प्रोवाइड करेगा मुझे। बट गुड एक्स बेटा, गुड एक्स किसी के लिए कोई भी एक्सटर्नलिटी क्रिएट नहीं करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चा, गुड एक्स और गुड जेड दो गुड्स है, एक्स और जेड। गुड एक्स जो है, एक्स गुड जो है वो दोनों ही एजेंट का अपना अपना गुड है, और वो एक ऐसा गुड है जो किसी भी एजेंट के लिए एक्सटर्नलिटी नहीं बन रहा, ठीक है। उसी साइड पर जो हमारा गुड जेड है वो एक ऐसा गुड है जो दोनों एजेंट्स अपोजिट एजेंट्स के लिए एक्सटर्नलिटी बन रहा है, ठीक है। अब देखो यूटिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स ए, वो डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है इसके ऊपर, ठीक है, प्लस यू ए जेड ए, यानी एजेंट नंबर ए की यूटिलिटी जेड से अफेक्ट हो रही है। हमने यहाँ पे जेड को ना लिखकर यूटिलिटी के फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली वी ए, एजेंट नंबर ए की ही यूटिलिटी है, लेकिन एजेंट नंबर ए की यूटिलिटी एजेंट नंबर बी के उस गुड से अफेक्ट होगी जो उसके पास एक ऐसा गुड है जो मेरे लिए एक्सटर्नलिटी है। हो सकते हैं पढ़े पॉजिटिव हो सकते पढ़े नेगेटिव हो, बात समझ में आ गई। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी एजुकेशन या आपकी एजुकेशन आपके खानदान के लिए, मान लो आप आईएएस ऑफिसर बन गए या आप एक इकोनॉमिक्स बन गए, बेसिकली आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज क्रैक कर लिया, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, तो मान के चलो बेटा आप इकोनॉमिक्स बन गए, तो आपकी एजुकेशन आपके लिए तो अच्छी है ही है कन्फर्म, लेकिन आपकी एजुकेशन बेटा आपकी सोसाइटी के लिए, आपके खानदान के हर बच्चे के लिए मोटिवेशन पॉइंट पर सबके लिए क्या उनको क्या हो गई, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई, ठीक है। मेहनत सारी आपने करी लेकिन दुनिया वो लाइफ टाइम जो बेनिफिट है आपके साथ साथ आपके जो जो आपसे जो कनेक्टेड लोग हैं बेटा सब लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे, तो बेटा ये क्या होगी, ये होगी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। अच्छा बच्चा अच्छा लगा ना सुन के जब मैंने कहा आपको कि आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आप इकोनॉमिस्ट बन गए, या आप मतलब बड़े अच्छा लगता है जब कोई ऐसी बातें करता है ना, यस मुझे पता था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग गाइस। अजी जैसे ये एजेंट नंबर ए है बेटा, ऐसे एजेंट नंबर बी इज इक्वल्स टू एक्स बी प्लस का यू बी जेड बी प्लस का वी बी जेड ए, बिल्कुल सेम एज इट इज उसी की तरह ही, ठीक है। और जेड मैंने आपको बता दिया है। अब एक्सटर्नलिटी, अब जरा बेटा समझना मेरे पास ध्यान से, यहाँ पर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, अभी आगे चल के बेटा मैं इसको डिफरेंशिएट भी करूंगा, ठीक है, बट फिलहाल मैं ऐसे बता रहा हूँ। आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, वी ए को डिफरेंशिएट किया, और अगर पॉजिटिव आ गया मतलब डेरिवेटिव किया वी ए का, है ना, ऑब्वियसली बात है जेड की रिस्पेक्ट में किया होगा ना, है ना, क्योंकि अगर आप जेड ए में करते हो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वी ए इज अ फंक्शन ऑफ जेड बी ओनली, तो जेड बी की रिस्पेक्ट में खड़ा होगा आपने। और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब बेटा आपकी जो एक्सटर्नलिटी है वो पॉजिटिव है, और अगर वो बेटा नेगेटिव आ रहा है तो बेटा आपकी जो एक्सटर्नलिटी है वो नेगेटिव है, ठीक है।
बात समझ में आती है बेटा मेरी आप लोगों को? इधर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव कंसेप्ट, ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक? अब अकॉर्डिंग टू हिंड्रिक्स यानी अकॉर्डिंग टू ऑथर, उन्होंने आपको यहाँ तक बातें समझा दी। अब वह ना छोटा सा आपको एक, क्योंकि इसके बाद बेटा वो कंटिन्यू करेंगे चीजों को, अब वहां पे इसी एग्जाम्पल को करेंगे, तो बेटा एक ना छोटा सा नोट नोट कर लो यहाँ पे, एक छोटा सा नोट, उसको क्या करना बेटा, बॉक्स में बना देना, ठीक है? जरा समझना ध्यान से। पहली बात तो ये कि ये एग्जाम्पल बेटा आगे आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है? ये एग्जाम्पल आगे चल के कंटिन्यू हो रहा है, तो बेटा इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करने से पहले ऑथर ने यहाँ पे एक छोटा सा नोट बताया है, ठीक है? वो मैं बिल्कुल ऑथर के पैटर्न पे लेकर चल रहा हूँ चीजों को। बेटा दो तरह की चीज है यहाँ पर, पॉजिटिव एक्सटर्निटी और नेगेटिव एक्सटर्निटी, ठीक है बच्चा? दो तरह की एक्सटर्निटीज हैं, एक पॉजिटिव एक्सटर्निटी और एक बेटा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव और एक बेटा नेगेटिव, ठीक है जी? नाउ बेटा जो पॉजिटिव एक्सटर्निटी होती है, पहली बात तो यहाँ पे आते हैं बेनिफिट्स, ठीक है? बेनिफिट्स के टर्म्स में बात करते हैं, और यहाँ बेटा कॉस्ट के टर्म्स में बात करते हैं नेगेटिव एक्सटर्निटी में, ठीक है? अब समझना ध्यान से। पॉजिटिव एक्सटर्निटी होती है तो एक होता है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ठीक है बेटा? मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ठीक है बच्चा? क्या होता है जी मार्जिनल सोशल बेनिफिट बेटा? किसके बराबर होता है? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस, रिपीट करो, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अच्छा इसको ना मैं वैसे करके लिख देता हूँ, एक एक सीक्वेंस में वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। पॉजिटिव एक्सटर्निटी को दोबारा लिख लूँ बेटा मैं, हाँ मैं क्या कह रहा था, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। बेटा पूरी स्पेलिंग इसलिए लिखी क्योंकि अभी आपको पहली बार तो समझना पड़ेगा, इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ, एम एस बी इज इक्वल्स टू एम पी बी प्लस एम ई बी। बात समझ में बेटा आप लोगों को मेरी? क्या एम एस बी मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस का मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है? क्यों, तो बेनिफिट क्यों आए बेटा? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, बात हमेशा ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि पॉजिटिव एक्सटर्निटी में ना हम लोग बेनिफिट्स को देखते हैं, बेसिकली बेनिफिट्स हमारी नजरों के सामने होता है पॉजिटिव एक्सटर्निटी के अंदर। और मजे की बात क्या होती है, अगर मान लो बेनिफिट है, ठीक है जी, अगर मान लो बेनिफिट है तो बेटा बेनिफिट हमेशा कम दिखता है। अब बोलो सर क्या ये कह रहा हो, कम दिखता है? चलो सुनो जी, कोई फूड आपको बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है, तो ध्यान रखना वो फूड जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना? क्यों, आपकी मेंटेलिटी क्या है कि जब तक आपका मन नहीं भर रहा तब तक के लिए आप वो फूड कंज्यूम करते जाओ। मतलब कोई डिश है, जो डिश है बहुत अच्छी बनी है, तो आप देखना आपको जो टेस्ट आ रहा है, जो भी उसमें मजा आ रहा है खाने में, उसका जो आपको पसंद पसंद लग रहा है उसके अंदर, वो चीज जल्दी खत्म हो जाएगी। क्यों, रीजन, जो भी बेनिफिट वाली चीज होती है वो हमेशा अंडर प्रोवाइड होती है, अंडर प्रोविजन होता है उनका। आप बोलो सर क्या समझ, क्या कह रहे हो आप, समझ में नहीं आई बात? तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ आपकी लैंग्वेज में ही, कि गवर्नमेंट अगर लोगों को बेनिफिट दे रही है, रिपीट करो बेटा, गवर्नमेंट अगर लोगों को बेनिफिट दे रही है, लोगों को फायदा पहुंचा रही है, तो ध्यान रखना लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि बस 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 बहुत बेनिफिट दे दिया, अब हमें और बेनिफिट नहीं चाहिए, कभी नहीं बोलने वाले। लोग कहेंगे दे तो जी बेनिफिट देते जाओ, बेनिफिट देते जाओ, बेनिफिट खत्म हो जाएगा, लेकिन तो लोगों की डिमांड पूरी नहीं होगी, क्योंकि बेटा जो चीज बेनिफिट में, जो चीज पॉजिटिव होती है, जो चीज फ्री में होती है, जो चीज अच्छी होती है, वो हमेशा कम ही अवेलेबल होती है। मैं बेटा वो चीज हमेशा कम अवेलेबल होती है इकोनॉमी के अंदर, अंडर प्रोविजन, ठीक है? बस में आ गया आपको मेरी बेटा, यानी बेनिफिट्स, ठीक है? यानी यानी आपको पता लग गया कि एक एक लेक्चरर है वो नंबर बांटता है, ठीक है, और एक लेक्चरर है वो नंबर बहुत काटता है। तो मान लो आउट ऑफ 25 जो नंबर बहुत काटते हैं, उन्होंने अगर 10 नंबर भी दे दिया आपको तो बहुत मानोगे, है ना? और जो नंबर बढ़ बांटता है अगर वो 20 भी दे रहा है ना, आपको कम लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वहां से और आ सकता है बेनिफिट।
25 में 25 भी आ सकते हैं, बट 20 भी दे रहा था आपको बड़ा कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, वो बंदे का नेचर अच्छा है, ये चीज आपके लिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, या उसका मूड अच्छा है, या वो घर से बहुत खुशी खुशी आया है, ठीक है। तो बेटा वो अंडर प्रोविजन होता है, लेकिन ये भी चीज इनएफिशिएंसी क्रिएट करती है भाई। अगर बंदा नंबर बांट रहा है, बांटने पर भी 20 नंबर दे रहा है, और अगर आपका होमवर्क, अगर आपका असाइनमेंट, अगर आपका टेस्ट 25 out of 25 मार्क्स के टक्कर का है, तो आप 20 में सेटिस्फाई नहीं हो, तो बेटा इनएफिशिएंसी आएगी, है ना। ठीक है बेटा, तो एक तो ये हो जाते हैं बेटा इधर। दूसरा हम लोग रखते हैं यहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ठीक है बेटा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मीनिंग आप बिल्कुल सेम है, मार्जिनल मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एफिशिएंट सॉरी एक्सटर्नल कॉस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है बच्चा। अच्छा एक चीज और है, मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। यहाँ पर ही पहले इधर देख लेना जरा ध्यान से, सोशल ऑप्टिमम कहाँ से आता है? सोशल ऑप्टिमम वो आता है बेटा जब मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोशल ऑप्टिमम कहाँ से आता है? जब मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। और प्राइवेट ऑप्टिमम कहाँ से आता है बच्चा? जब मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। क्या? जब मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, ये होता है बेटा प्राइवेट ऑप्टिमम। और सोशल ऑप्टिमम होता है जब मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों मेरी? बढ़िया करके बिंदास करके। चलिए जी, तो ये हो गया मार्जिनल अच्छा ये तो हो गया इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव एक्सटर्निटी का, ये यहाँ तक। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव एक्सटर्निटी का पार्ट है, पॉजिटिव एक्सटर्निटी। ठीक है बेटा, भूलना मत, न्यूमेरिकल बेस्ड यहाँ से चीजें आ सकती हैं और आती भी हैं। नाउ अब हम लोग बात करें बेटा नेगेटिव एक्सटर्निटी की, जिसमें मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो होता है वो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट होता है। ध्यान रखना, नेगेटिव एक्सटर्निटी के अंदर हमें कॉस्ट दिखती है। ठीक है जी, कॉस्ट दिखती है, इंटरेस्टिंग बात। और ये बात मैं यही बता देता हूँ, यहाँ पे जो सोशल ऑप्टिमम होता है, सोशल ऑप्टिमम होता है वो मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल बेनिफिट के बराबर होता है। ठीक है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो होता है वो मार्जिनल बेनिफिट के बराबर होता है। और जो प्राइवेट ऑप्टिमम होता है मेरे बच्चा, वो चीज़ मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट जो होती है वो मार्जिनल बेनिफिट के बराबर होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट से। और नो डाउट बेटा, जो चीज़ नेगेटिव है, जो चीज़ नेगेटिव एक्सटर्निटी है, वो हमेशा आपको ओवर दिखेगी। आप बोलते ऐसे कैसे कह रहे हो? आपको बता देता हूँ, पॉल्यूशन है आपके लिए नेगेटिव एक्सटर्निटी है। अभी बाहर निकलो, जितना भी है बहुत होगा आपके लिए, है ना, बहुत होगा। मैं बोलूँ जी मुझे ज्यादा आएगा, आप बोलो यार यही यही बहुत है, और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। आप और पोल्यूशन में जाओ तो उससे ज्यादा होगा, तो वो भी बहुत होगा। करते 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 कि ऐसा माहौल भी हो सकता है कि बस आपको दिख ही नहीं रहा, इतना धुआं है। यानी नेगेटिव एक्सटर्निटी जितनी भी है बहुत है, नेगेटिव एक्सटर्निटी जितनी भी है बहुत है, ओवर है। ठीक है जी, ओवर है, यानी हमेशा खराब चीज ज्यादा ही दिखती है और अच्छी चीज हमेशा कम दिखती है, बस ध्यान रखना। सो दैट इज ओवर प्रोडक्शन या ओवर प्रोविजन। और फिर भी बेटा यहाँ पे क्या होगा? इन एफिशिएंसी आएगी। ठीक है बेटा, बात समझ में बेटा आप लोगों मेरी? बढ़िया करके बिंदास करके कंसेप्ट क्लियर मेरा आप लोगों को बच्चा। तो बेटा ये कंसेप्ट था। अब जैसे कि हमारा ये पॉइंट हो गया, अब हमारा इसके अंदर एक एक डिस्कशन हो गया। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या बेटा, एक एग्जाम्पल जो है डिस्कस होगा फॉर नेगेटिव एक्सटेंडी बताने के लिए। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सटेंडी बताने के लिए। ठीक है जी, तो वो एक क्लास होगी, तो उसके बाद बेटा हमारा जो है एग्जाम्पल से स्टार्ट हो जाएंगे, जो हमारा सेकेंड पार्ट था इसका। ठीक है, तो आप बेटा पहले इतना समझ लो अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।